My name is Mahmood Al Yusuf, Math Mahmood Channels. Previous video में हमने exercise 1.1 का question number 1 किया, फिर question number 2 के आज हम करेंगे question number 3. Exercise 1.1 question number 3. इसमें जो method हम use करेंगे वह completing square. हमने quadratic equation की definition पढ़ी थी, उसमें कहा था कि इसे solve करने के तीन method हैं. नंबर वन फैक्टराइजेशन, नंबर दो कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर थ्री क्वाड्रेटिक फार्मूला. आज हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर. अभी हमारे पास वैल्यूज हैं 7x² + 2x - 1. अब हमने इस क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस वन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे. 7x² + 2x = 1. अब हमने क्या करना है, इस 7 को एंड करने के लिए 1/7 मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, 1/7 ऑन बोथ साइड, 1/7 मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड. 7x² 1/7 + 2x मल्टीप्लाई 1/7 = 1 मल्टीप्लाई 1/7. अब 7 7 से क्रॉस हो गया, हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो सिंपल x² + 2x 1/7 = 1 मंजर 1 1/7 आ गया. अब हमने क्या करना है, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है. फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट, ऑटोमेटिकली ये डिजिट क्या आ जाएगा, 1/7 = 1/7. अब हमारे पास क्या सेकंड वैल्यू जो हमने फाइंड की है कंप्लीटिंग स्क्वायर की है 1/7. अब 1/7 का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड, 1/7 का स्क्वायर 1/7 स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड, x² + 2x 1/7 + 1/7 का स्क्वायर = 1/7 + 1/7 का स्क्वायर. ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई. अब हम इसे क्लोज फॉर्म में ले आएंगे, या क्लोज फॉर्म में कह लो या आप लोग ऐसे समझ लेंगे, हम इसे एक्सप्लेन फॉर्म में ले जाएंगे. x² + 2 1/2 2/7 x + 1/49 = 1/7 + 1/49 1/7 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया 1/49. ये हमारे पास वैल्यू निकल आई. अब ये जो x² + 2/7 x + 1/49 इस पूरी वैल्यू को जब हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x + 1/7 का स्क्वायर, क्योंकि 1/49 49 किसका स्क्वायर बनता है, 7 का. अब हम इसे क्या लिखेंगे क्लोज फॉर्म में, x + 1/7 का स्क्वायर = 1/7 + 1/49. अब हम इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड से. इसे आप लोग अभी यूज ना करें, इसे ले लें 1/7 + 1/49, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 49. जब 7 को 49 पे डिवाइड करके तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 7 7 7 49 7 1 7 + 49 को 49 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 49 1 49 1 1 1. x + 1/7 का स्क्वायर = 8/49.
अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास है स्क्वेयर, स्क्वेयर का जो एंट्री होता है वो होता है स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड एक्स प्लस वन और सेवन स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू एट ओवर 49। हम इससे क्या कर सकते हैं कि अब हम इसे सेपरेट कर देंगे बोथ साइड, एट का सेपरेट 49 का सेपरेट, x प्लस वन और सेवन इज इक्वल टू एट का स्क्वेयर रूट या प्लस माइनस ओवर सेवन। अब एट के हम फैक्टर बना लेंगे, टू फोर आ गया, टू टू सा फोर आ गया। एट के फैक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर टू और टू, टू टू सा फोर और टू। अब एट से हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वन और सेवन इज इक्वल टू टू का स्क्वेयर इंटू टू और सेवन। टू का स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली टू एंड टू स्क्वेयर रूट, एक्स प्लस वन और सेवन इज इक्वल टू 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 का स्क्वेयर रूट और सेवन या प्लस माइनस। अब हमने क्या करना, जब हम प्लस सेवन दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस। एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस माइनस टू टू इंटू सेवन, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर सेवन प्लस माइनस टू टू का स्क्वेयर रूट ओवर सेवन। अब इसमें हमने ये देखना कि इनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम लेंगे सेवन आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस वन प्लस माइनस टू टू का स्क्वेयर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर निकला है। अगर हमारे पास टू ओवर टू का स्क्वेयर रूट या कोई और वैल्यू हो जाती तो हम इसके दो पोर्शन बना लेते, एक पोर्शन में प्लस कर देते दूसरे में माइनस कर देते। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट। हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट, हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री का टू पार्ट। ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ए की वैल्यू माइनस, इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस, इधर आके आ जाएगा हमारे पास प्लस ए, हमारे पास क्या आ गया, प्लस ए। अब हमने इसे क्या करना है, ए को एंड करना है, वन ओवर ए मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, वन ओवर ए मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, वन ओवर ए मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, ए एक्स स्क्वायर वन ओवर ए प्लस फोर एक्स वन ओवर ए इज इक्वल टू ए वन ओवर ए। फर्स्ट में हमने क्या करना है, ए ए से क्रॉस हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वन ओवर ए, क्लियर। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए ए से कैंसल,
वन आ गया। अब स्क्वायर रूट कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुताबिक हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट टू एलिमेंट्स होते हैं और दूसरा उसका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जस्ट लाइक ए प्लस बी का स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक फार्मूला होता है बेसिक। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, ये प्रोडक्ट है, सेकंड एलिमेंट हमने फाइंड करना होता है। अब इसमें हमने क्या है तरीका यूज करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस, अब ये फोर है, इट्स मीन हमारे पास यहाँ होना चाहिए टू मल्टीप्लाई एक्स, टू एक्स आ गया। अब इधर हमारे पास आना चाहिए टू ओवर ए का, ये हमारे पास होना चाहिए वैल्यू टू ओवर ए इज इक्वल टू वन। अब हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ गया टू ओवर ए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टू ओवर ए इज इक्वल टू वन, टू और ए एडिंग ऑन बोथ साइड, टू ओवर ए एडिंग ऑन बोथ साइड, टू ओवर ए स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड, टू ओवर ए एडिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स टू ओवर ए इज इक्वल टू वन प्लस टू ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टू ओवर ए स्क्वायर। क्लियर? अब हमारे पास इसे हम क्रॉस फॉर्म में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू टू सा फोर एक्स ओवर ए प्लस टू का स्क्वायर फोर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस फोर ओवर ए, ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट होगी फोर ओवर ए, फोर ओवर ए। अब हमने क्या करना है, इसे लेके आना है क्लोज फॉर्म में, फर्स्ट एलिमेंट एक्स सेकंड एलिमेंट टू ओवर ए, फर्स्ट एलिमेंट एक्स सेकंड एलिमेंट टू ओवर ए, एक्स प्लस टू ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस फोर ओवर ए, फोर ओवर ए। अब देखो अगर हम किसी भी वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर ना हो तो हम खुद उसके नीचे वन लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास आ गया वन ओवर वन, अब इस कैल्शियम लेंगे, इस कैल्शियम आ जाएगा ए वन ए आ गया, ठीक है। वन को ए पे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है, ए का ए आ जाता है, ठीक है ना, ए आ जाता है, ये ए आ गया ए स्क्वायर, ठीक है, ये भी बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस फोर, ए स्क्वायर प्लस फोर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स प्लस टू ओवर ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस फोर ओवर ए स्क्वायर, इसे भी सेपरेट, इसे भी हम सेपरेट कर देंगे। अब इसका आंसर क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस फोर एज इट इज, और ये सिंपल ए एक्स प्लस टू ओवर ए
is equal to plus minus a square plus 4 over a. ये हमारे पास क्या वैल्यू निकल आई, ये स्क्वायर रूट हम एंड नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि ये सब ए की वैल्यू नहीं है, ये किसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी नहीं, स्क्वायर भी नहीं बनता, इंडिविजुअल वैल्यू है। ए स्क्वायर सेपरेट है, फोर सेपरेट है, सेंटर में प्लस है, इसलिए हम इसे क्या स्क्वायर रूट इसका नहीं ले सकते। अब हमने क्या करना है, इस प्लस टू ए को उठा के साइड पे ले जाएंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस टू ओवर a प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर रूट ओवर a। अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम है, x इज इक्वल टू माइनस एलसीएम लेंगे a टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर, ये हमारा आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर थ्री का टू पार्ट, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर सिक्स। स्टार्ट करेंगे, 195 इज इक्वल टू जीरो। अब 195 को हमने क्या करना है, उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 195, माइनस था दूसरी साइड पे आके प्लस हो गया। अब उसी मेथड से फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट इज इक्वल टू 195। अब देखें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस है प्रोडक्ट का, उसके बाद है 2x। अब 2x ऑलरेडी ऊपर भी 2x है, अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 2x का 2x है, ओनली 1 स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 195 प्लस 1। अभी हम ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 196 आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन किसका स्क्वायर आ गया, एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट 196 का स्क्वायर रूट, या हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। अब वन को हमने किस साइड पे लेके जाना, दूसरी साइड पे, इस साइड पे प्लस है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस का आएगा स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर किसका आएगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब ये माइनस वन जब दूसरी साइड पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 14 एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 1। अब हमने इसके क्या पोजीशन करने हैं, इसके दो हिस्से करने हैं, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, एक्स 1 प्लस 14 एक्स 1 माइनस 14 एक्स इज इक्वल टू 16 एक्स इज इक्वल टू माइनस 13। अब इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आया
वो आया x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू माइनस 13, 16 एंड माइनस 13, ये इसका हमारे पास सॉल्यूशन निकल आया, 16 एंड माइनस 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 13/4 इज इक्वल टू 0। अब ये टोटल का टोटल उठा के हमने इस साइड पे ले आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू 13/4। फर्स्ट एलिमेंट है x का स्क्वायर प्लस, अब सोचने की बात है कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट तो x आ गया, अब 17 ओनली नहीं रह सकता, इसके नीचे लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए, 17/2, ये 2 किसका आ गया, स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट का, अब ये 2 से कट जाएगा तो 17x ऑलरेडी वैसे के वैसे बन जाएगा इज इक्वल टू 13/4। हमने एडिंग क्या करनी है इसमें, 17/2 का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x 17/2 प्लस किसका हमने स्क्वायर लेना है, 17/2 का, 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 33/4 प्लस 17/2 का स्क्वायर। अभी हमने कैलकुलेटर की थोड़ी सी हेल्प ली है। अब 17x स्क्वायर प्लस 17 2 1 2 2 1 2 प्लस 17x प्लस, अब 17 के स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 289/4 इज इक्वल टू 33/4 प्लस 289/4। अब देखो ये डिनोमिनेटर सेम है, इसे हम कंबाइन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 433 प्लस 289 प्लस 33, एक्स प्लस 17/2 इज इक्वल टू 322/4 हमारे पास वैल्यू नहीं, सेवन दोबारा मैम कर लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई 17 289। अब यहाँ हमारे पास प्लस का था तो हमने थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस 3 9 में से 3 माइनस करें 6 5 256 आ जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर एक्स प्लस
17 over 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256 ओवर 4। यहाँ पर बस वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 17 ओवर 2 इज इक्वल टू 256 ओवर 4, x प्लस 17 ओवर 2 इज इक्वल टू 256 का आता है 16 ओवर 2। अब क्या करेंगे, 256 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 256 का स्क्वायर रूट 16 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे लिखने हमने प्लस और माइनस, 17 और 2 उधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 17 ओवर 2 माइनस प्लस माइनस 16 ओवर 2। अब दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस 17 प्लस माइनस 16 ओवर 2। अब हम इसे दो मेथड से करेंगे, एक दफ़ा हम इसे प्लस कर देंगे, दूसरी दफ़ा माइनस कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस 17 प्लस 16 ओवर 2, x इज इक्वल टू, अब 17 में से x गया, 17 में से 16 गया, माइनस 1 ओवर 2 इसका आंसर निकल आ गया। अब दूसरी वैल्यू एज इट इज हम इसमें पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू, ये हमने प्लस की वैल्यू यूज़ की थी, अब नेक्स्ट टाइम किसकी वैल्यू यूज़ करेंगे, माइनस की, माइनस 17 माइनस 16 ओवर 2। अब देखो 16 और 16 32 में 1 ऐड कर दो 33, माइनस 33 ओवर 2। अब हमारे पास जो दो वैल्यू निकल आई, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, x इज इक्वल टू माइनस 33 ओवर 2। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1 ओवर 2 एंड माइनस 33 ओवर 2, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट निकल आ गया। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी टिपिकल है, इसमें ज़रा आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। ऐसे एक दफ़ा करने से नहीं, इसे छोड़ देने से, बार बार रिपीट करें, जितना बार बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.1 को, उसी तरीके से आपको इजीली और डीपली समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम।